सर, थैंक यू सर। भाई चलान कट गया। तो भाई ये देख लो, फिल्टर बॉक्स खोल दिया और अंदर की हालत देखते हैं। 40 10W40 फुल सिंथेटिक ऑयल जो फोर स्टॉक बाइक के लिए है। तो भाई एक दौर था इस पार्क के अंदर, मैंने बहुत एक्सरसाइजें कर रखी है और उस टाइम पे जो लाइफ थी ना भाई, बहुत इन्जॉयमेंट थी। लाइफ में कोई टेंशन नहीं था, कुछ नहीं था, बस तुम्हारा भाई आता था, इन्जॉय करता था और ये समझ लो कि भाई बहुत इन्जॉय किया इस पार्क में, जो कुछ चीज़ें बता नहीं सकता। हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑडियो चैनल वंस अगेन। तो मैं आपको बताने वाला था, मेरे पास एक बाइक है जिसका नाम है इविल। इविल बेसिकली एक वर्ड है जिससे क्या होता है कि बुराई, जो अच्छे वाला इविल है वो मतलब बुराई को काटता है और मिलने अच्छा है। और ये मैं एग्जांपल बहुत सारी चीज़ों में देख चुका हूँ, आपको कभी और बताऊंगा जब कभी कुछ होने वाला होगा। दूसरी बात, उसकी सर्विस का टाइम आ गया, काफी टाइम सर्विस नहीं कराई और एक साल के अंदर मैंने उसे 19,000 किलोमीटर चला लिया। बहुत अचीवमेंट है मिल रही, क्योंकि भाई मैंने 19,000 किलोमीटर में उसे ना कहां का घुमाया पता आपको, लद्दाख 2 बार, एक बार लद्दाख गया, 2-3 बार उत्तराखंड तो पता नहीं कितनी बार चला गया और चंडीगढ़ में तो अनगिनत राइड मारी, संडे राइड वगैरह बहुत मारी। पर अब तुम्हारा भाई रिकॉर्ड करेगा, गोप्रो ले लिया, सब कुछ ले लिया, आईफोन भी ले लिया क्वालिटी के लिए और धड़ाकेदार वीडियोस आने वाली है। अभी चलता हूं मैं आपको अपनी बाइक दिखाता हूं और उसके भी कुछ ज्यादा खास नहीं करा रखा, बस जो भी है स्टॉक है एकदम प्यारी लगती है। चंडीगढ़ में क्या प्रॉब्लम है वो भी आपको बताऊंगा। तो आपको मिलता है सीधा कैमरे पे। वो है सामने हमारा लाल कलर का इविल। बेसिकली इसका नाम इविल इसलिए क्योंकि इसकी लुक्स देखो भाई, पूरी अट्रैक्टिव है और ऐसा लगता है खाने को पड़ेगा ये। पर ये मेरे लिए बहुत ज्यादा कहते ना, इसे गुड गुड मशीन है एकदम, कहते ना लकी लकी चीज है ये, तो इसलिए इसका नाम मैंने लिखा रखा हुआ है इविल। तो इविल कैसा लग रहा है आप सब जरूर कमेंट करना। और उससे पहले मैं एक स्टोरी डाल देता हूँ इंस्टाग्राम पे, अपने फॉलो नहीं किया तो आइडिया आ रही है फॉलो कर लेना स्क्रीन के ऊपर। ये भाई देखो इविल बता देता हूँ, जो सबसे मेरे को सबसे ज्यादा महंगे पड़े, सबसे महंगा खर्चा मेरा ये है क्विक शिफ्टर जो मैंने आफ्टर मार्केट लगाया, मतलब कंपनी से लगवाया बट बाद में लगवाया। दूसरा सबसे बड़ा खर्चा है मेरा ये चार्जर जो तो उस टाइम का 3,000 का है। ये था किसका, ग्रैंड पिट शॉप का है, पिट शॉप का। और ये वेंट से लोग तो ये सस्ते ही है, बहुत कुछ लगा रखा है। बट ये मेरे इंस्टा आईडी भाई चेक कर लो, जिसको फॉलो करना कर लेना, पंकज सैनवाल। और ये तुम्हारी बाइक रेस 3.50 के रीच। तो ये अपनी इविल स्टार्ट हो गई है और आप सबको क्या करते हैं बताते आपको, यहाँ पर पुलिस का बड़ा गंदा सीन है भाई चंडीगढ़ में, तो इस बात का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। दूसरी बात आपको बता दूं भाई, चंडीगढ़ में भाई रूल्स एंड रेगुलेशन इतने कड़क है ना, इतने कड़क है ना, अगर आपने ज्यादा मॉडिफिकेशन करा लिया ना तो मैं बता रहा हूँ टाटा छैया छैया हो जाती है। और आपको एक ना मेरे पास वीडियो क्लिप पड़ी होगी तो मैं आपको दिखाऊंगा, पुलिस वालों ने मेरे को रोका था। थैंक यू सर। भाई चलान कट गया 500 रुपये का यार, वो तो मैंने बहुत प्यार प्यारी बातें की इसलिए कुछ नहीं कहा। इस तरह मडगार्ड उतारने का भाई चंडीगढ़ में, पर्ची मेरे जेब में ही है, तो खुद ही कह रहे कि आपकी बोली काफ़ी अच्छी लगी हमें इसलिए हमने छोटा चलान कर दिया, उसकी वजह से मैंने अपना मडगार्ड लगा दिया था। वैसे आप वैसे समझ लो, मडगार्ड मैं आपको दिखा दूंगा जो मेरे को रोका था, और वो मडगार्ड लगाया मैंने, समझ लो भाई बाइक की लुक खराब हो गई पर वो ट्रेंड बन गया भाई, ट्रेंड तुम्हारा भाई ट्रेंड पे चलता ट्रेंड। और मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट पता क्या है भाई, ये बाइक मैंने ली थी यूट्यूब इनकम से। आप समझ लो यूट्यूब इनकम से, अभी मेरा नया चैनल है, इतना पैसा दे दिया यूट्यूब ने कल के कल ही, तो आप समझ सकते हो कितना पैसा यूट्यूब में। तो पहले डीजल लेना है और उसके बाद पेट्रोल, पहले पेट्रोल आते फिर डीजल लेंगे। डीजल क्यों है जरूरी है बाद में बताऊंगा, कल बताऊंगा कल जब सर्विस कराएंगे उसी टाइम। भाई डीजल बहुत कम आया यार, मैं डीजल तो ले लिया, ढक्कन नहीं मिल रहा इसका, ढक्कन मैंने फूटा हुआ बोतल का ले आया, तो एक बोतल ढूंढ रहा हूँ मैं, बोतल मिल जाएगी तो उसका ढक्कन इस पे लगा दूंगा, इसलिए डस्टबिन की तरफ आया था मैं जानबूझ के, मिल ही नहीं रहा कोई भी। चलो अरेंज तो करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। और हाँ एक चीज और बताना भूल गया मैं, जो बंदा मेरे को फर्स्ट टाइम देख रहा ना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देगी, सब्सक्राइब कर देना, एक तो बोला नहीं आता सब्सक्राइब निकलता है मुंह से, तो हाँ जो भी है सरप्राइज कर देना, नहीं तो कसम से ऐसा ऐसा राम बाढ़ फेंकूंगा ना पीछे, भाई घर तक पीछे आएगा जय श्री राम। चलो पहुंच गए मैं एक और लाइट पे जो खत्म होने के दार पे है। तो गाइस कल लिया था मैंने अपना 71 मॉडल का 40 10W40 फुल सिंथेटिक ऑयल जो फोर स्टॉक बाइक के लिए है स्पेशली है, और ये वाला जो ऑयल है ग्रेड है R15 V4 का और V3 के लिए भी यही ग्रेड लगता है। दूसरा मैंने ये ऑयल फिल्टर लिया है जो बाइक में डलेगा, और मैंने ब्रेक पैड डलवा रखे बाइक में। तीसरा ये एयर फिल्टर लिया मैंने, वैसे V4 में एक दूसरा ये एयर फिल्टर लगता है जिसमें थोड़ा ऑयली रहता है जो वन टाइम यूज होता है, बट जो वाला फिल्टर है ये 3 टाइम यूज हो जाता है, तो इसलिए मेरे को ये सही लगता है और इससे थोड़ा एयर फ्लो अच्छा हो जाता है बाइक के अंदर, तो मेरे को ये बेस्ट लगता है। तभी तो तेरे पास आया हूँ बाइक लेके, वो फ्री सर्विस खत्म हुई तेरे पास ही आया हूँ, पहली सर्विस जो करा रहा हूँ अपनी पैसों से, नहीं तो मैं तो सामान ऐसे लेके जाता कंपनी में करा देता, साले वो करते ना करे उनकी मर्जी। तो भाई हमारी जो R15 V4 है ना, वैसे यहाँ पर ना अंकल आ रहे थे जिसकी वजह से मैं बता नहीं पाया, तो अभी R15 V4 का पूरी फुल चेकअप हो रहा है। बेसिकली मैं आपको बता दूं इसमें एयर फिल्टर चेंज होएगा, जो मेरी बैटरी है ना उसकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब है, उससे बीच में थोड़ा शॉर्ट सर्किट की स्मेल से आई तो वो भी चेक करानी है, और सर्विस बेसिक सर्विस तो हो ही होगी, और सर्विस करने वाला पता कौन है हमारा स्पेशलिस्ट मैकेनिक मोनू, सॉरी रजेंद्र भाई, मोनू भाई के छोटे भाई रजेंद्र, तो वो दिखाता हूँ मैं धीरे धीरे आपको, पॉइंट बताऊंगा क्या क्या चीज़ें चेक होती है और किस लिए क्या चीज़ होती है। भाई सीट खुलने के बाद ना सबसे पहले हमारे अंदर की जो बॉडी है वो दिखाता हूँ मैं आपको, तो ये सारे पार्ट्स नहीं यहाँ रखे हुए बाइक के, तो ये हमारी R15। तो ये देख लो भाई बैटरी के हाल देख लो, काफ़ी टाइम हो गया क्लीन नहीं हो रही, जिसकी वजह से ऐसी गंदगी हो रही है। और जो ये मैंने चार्जर लगा रखा ना ये भी प्रॉपर सेट कराना है, ये भी बाहर दिखता वायर,
तो इसमें भी जिप टाई वगैरह लगाने की कोशिश करेंगे। दूसरी यहाँ पर कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ऐसे धूल मिट्टी वाली हो रखी है, बट भाई अंदर से ठीक है, थोड़ा शॉर्ट सर्किट हो रहा है जो राजेंद्र भाई ठीक करेगा, देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। भाई साइड पैनल खुलते हैं ना बाइक के, देख लो कितना ज़्यादा ऑकवर्ड लगती है, चेक करो ये क्या दिक्कत होगी भाई, टेप लगी है कितनी हार्ड से भाई, निकल ही नहीं रहा, अब निकला। ये देख लो अंदर से पैनल के हाल, भाई सब बुरे हाल हो रखे कंडीशन अभी तो। ये कल डीजल मारा उसकी वजह से क्लीन हो रखा है यहाँ से, नहीं तो भाई बुरे हाल थे कल पूरे टैंक पैड की वजह से। भाई सारे पैनल खुलने के बाद बाइक की कंडीशन कुछ ऐसी है भाई, देख लो चेक करो तो कितनी अजीब लग रही है ना अपनी बाइक ऐसे में, पर जो बोलो मज़ा तो आ रहा है देखने में, ऐसे पतली सी लग रही भाई। तो भाई ये देख लो फिल्टर बॉक्स खोल दिया और अंदर की हालत देखते हैं। तो ये भाई कुछ फिल्टर बॉक्स की कंडीशन और ये फिल्टर के हालात है भाई, ये लॉक है यार, ओ थैंक गॉड, कहते मेरे को साफ लग रहा है फिल्टर, साफ है ना वैसे, पर एक बार देखते हैं तेल वड़ा, ये देख अंदर तेल भी आ रहा है, ये किस चीज़ का तेल रहता है अंदर वैक्यूम बॉक्स में, जगह पंकज कुछ और बोलता हूँ। तो भाई ये हमारा चिनू भाई आज बाइक राइड कर रहा है और सर्विस अभी जस्ट होके हटी है, कितने 6-7 महीने हो गए थे बाइक ज़्यादा चली नहीं, 2000 किलोमीटर चली है और सर्विस हुई नहीं थी। ये अपना रिंकू एक्सपर्ट है भाई साइकिल के मामले में, खतरनाक आदमी है, चला लिया चिनू, सेक्सी लग रही है, फास्ट एंड फ्यूरियस। तो होप करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी, अच्छी लगी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, मिलते हैं किसी और वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।